नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हमें आप लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत सारे सुझाव मिले। उसमें से एक सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा कि क्यों ना हम कुछ एक ऐसे विषयों को आपके सामने लाएं जो अमूमन हमारे नज़र से उझल हो जाते हैं। या मैं यूं कहूं कि हम लोग सारा दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत तरह की न्यूज़ छपती हैं, लेकिन कुछ एक खबरें या कुछ एक मैसेजेस हैं जो हमारी नज़र से चाहे अनचाहे तरीके से छूट जाते हैं, या यूं कहें कि हम उनको शायद पढ़ते वक्त इतना ध्यान नहीं देते। तो हमारा इस नए कार्यक्रम में यही प्रयास है कि हम आपको उन विषयों के बारे में या उस ऐसी खबर के बारे में बताएं। इसमें हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं चूज किया, हम जनरलाइज आइटमें जो हमें ठीक लगेगी हम उसको कैटेगराइज करके देख लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा एक जज्बे की। दोस्तों, संगरूर के सोमनाथ गोयल जी, उन्होंने 70 साल की उम्र में हर्डल रेस करने की सोची। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो लोगों ने कहा, अरे यार क्या करवा रहा है, हाथ पांव टूट जाएंगे तेरे। लेकिन उनके जज्बे को सलाम है, उन्होंने 70 साल की उम्र में 10 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू की और हर्डल रेस में इस साल पार्टिसिपेट भी किया और दो दो मेडल भी जीते। तो वही उनके दोस्त और साथी जो उनको कल तक ये कहते थे, अरे इस उम्र में हाथ पैर टूट गए तो दोबारा जुड़ेंगे भी नहीं, वो आज उनके मेडल देख के उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी रोचक समाचार हमें पढ़ने को मिला। एक रेमंड स्लीवन करके फ्लोरिडा की लेडी है जिनकी उम्र 100 साल की है, उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने स्काई डाइव करके इस जन्मदिन को मनाया। ये जो लेडी हैं, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में नर्स रह चुकी हैं, और उनसे जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्या क्यों किया, तो उनका कहना था कि मैंने अपनी 100 साल की जिंदगी में बहुत तरह के काम किए, सिर्फ एक यही एक काम था जो मेरे को हमेशा रोमांचित करता था, जो मैं कर नहीं पाई तो मैंने अपने 100वें जन्मदिन पर यह किया। तो है ना दोस्तों ये मजेदार खबर। दोस्तों, हमारे आसपास की जिंदगी में राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ एक खबरें ऐसी निकल के आ जाती हैं, आप चाहो तो उन पे हंस भी सकते हो, चाहो तो उनको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हो। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि इस बार पंजाब में जो सरकार बनी है उसमें जितने भी MLA आए हैं उसमें से 85% MLA ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। अब समस्या ये है कि आने वाले दिनों में बजट सेशन आने वाला है और नए जो MLA आए हैं उनको किसी भी तरह से इस चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस नहीं है कि जब पार्लियामेंट का सेशन बैठता है तो क्वेश्चन रेज करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए क्या परमिशन ली जाती है, कैसे कैसे उन चीज़ों को किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने उनके लिए 2 दिन का क्रैश कोर्स, जी हाँ दोस्तों, पार्लियामेंटेरियंस के लिए 2 दिन का क्रैश कोर्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिनमें उनको बताया जा सके कि संसद में किस तरह से काम होता है और आपको किस रूटीन से और किस रूल्स को फॉलो करते हुए ये काम करना है। चलो, मैं इसको चाहे आप मजाक में ले लीजिए, लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव तरीके से लूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि जब कोई लोग कोई भी इंसान जब कोई नई जॉब शुरू करता है तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो MLAs को ट्रेनिंग देना भी एक बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट पार्लियामेंट में आने वाले समय में हंगामे थोड़े कम होंगे, है ना रोचक खबर। दोस्तों, एक बहुत मजे की खबर मैंने पिछले दिनों अखबार में पढ़ी। आए दिन हम देखते रहते हैं कि नेता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरों के ऊपर किसी ना किसी तरह की छींटाकसी करते रहते हैं, और आजकल इसको कहते हैं ट्विटर वॉर। एक ने ट्वीट किया, उसके नीचे 500 लोगों ने ट्वीट किया, हे हल्ला बहुत कुछ होता है। लेकिन टर्की में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कि सरकार को नागवारा थी, और इस चीज का बड़ा कड़ी तरीके से संज्ञान लिया गया, और उस संज्ञान को लेते हुए उस पार्लियामेंटेरियन को 5 साल के लिए पॉलिटिक्स से बैन कर दिया गया। दोस्तों, मैं सोचता हूं अगर इस तरह का कुछ हमारे देश में हो जाए तो शायद हमारे तो आधे पॉलिटिशियन ही 5 साल के लिए बैन हो जाए। दोस्तों, हमारे समाज का हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर है, और समाज में होने वाली हर गतिविधि कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पिछले दिनों मैंने एक खबर सुनने में आई कि हमारे जो
देश में जैन समाज के लोग हैं, उन्होंने एक पहल करते हुए, क्योंकि वो बहुत बार ऐसी कई सारी चीजें में पहल करते हैं जो समाज में एक उदाहरण बनती हैं। पिछले साल उन्होंने एक नियम बनाया था कि जो शादी ब्याह होगी उसमें सिर्फ 11 या शायद 21 तरह के व्यंजनों की ही परमिशन थी कि इससे ऊपर हम समाज में शादी की दावत में इससे ज्यादा व्यंजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि खाना वेस्ट होता है, लोग ना तो इतने ढेर सारे व्यंजन खाते हैं और वो वेस्ट होते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक नया संकल्प लिया है कि जैन समाज में अब किसी भी तरह का जो निमंत्रण जाएगा वो ई निमंत्रण जाएगा, यानी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो मैसेजेस भेजेंगे और कार्डों पे होने वाली छपाई का खर्चा बचाया जाएगा ताकि कागज की बचत हो सके, पैसों की बचत हो सके, और अननेसेसरी हम भी कार्ड का कार्यक्रम पढ़ने के बाद उसको फेंक देते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के लिए ये भी एक नया उदाहरण पैदा होगा। दोस्तों, आए दिन हम अपने समाज में बहुत तरह के मुकदमे देखने को या हमें सुनने को मिल जाते हैं कि किसी ने किसी कारण से किसी पे मुकदमा कर दिया। उत्तराखंड के एक दंपति ने अपने बहू और बेटे के ऊपर 5 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया। जी हाँ दोस्तों, 2.5 करोड़ रुपए का बहू और बेटे के ऊपर मुकदमा दायर किया, और आप मुकदमे की दलील जानकर अचंभित हो जाएंगे। इस दंपति का ये कहना है कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, उसको पढ़ाया, नौकरी कराई, उसकी अच्छे से शादी की। ये जो दोनों दंपति हैं हमें दादा दादी बनने का सुख नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि हमारे बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाए, कोर्ट उनके ऊपर या तो जुर्माना लगाए या उनको इस चीज के लिए कहा जाए कि जब हमने अपनी सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दी तो ये हमारा हक बनता है कि हम अपने इस जीवन के पड़ाव में पोते या पोती का सुख देख सकें और हम उनके बचपन को जी सकें। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है और अपने बच्चों को 1 साल का समय दिया है कि अगर 1 साल में वो दादा और दादी नहीं बनाएंगे तो हम अपने बहू और बेटों से 2.5 करोड़ रुपए का हमें हर्जाना दिलवाया जाए। है ना मजेदार खबर। दोस्तों, एक रोचक खबर स्कूलों से रिलेटेड, आजकल स्कूल बड़ी चर्चा में है। भटिंडा में एक ऐसा स्कूल है जिसको रेनोवेशन करके आला दर्जे का बनाया गया, और आप जानकर हैरान होंगे कि उस स्कूल में स्विमिंग पूल तो है लेकिन बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त डेस्क नहीं है। है ना मजे की खबर कि स्कूल में स्विमिंग पूल है लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए जो जरूरी डेस्क है वो ही अवेलेबल नहीं है। क्या बात है दोस्तों। आज हमारा एपिसोड का जो अंतिम पड़ाव है वो है लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ। 2 खबरें मैं आपके लिए रोचक यहां से मिलाया हूं। हमारे क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्रिकेट या क्रिकेट से जुड़ी बातें ही आती हैं, लेकिन आपको जानकर आपके लिए शायद खबर नहीं होगी या शायद कुछ लोगों के लिए ये खबर उन्होंने सुन रखी है कि धोनी अब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। धोनी एंटरटेनमेंट के नाम से उन्होंने पहली तमिल फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला लिया है। आप देखते हैं कि वो किस तरह की पिक्चरें बनाते हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड पिक्चरें बनाते हैं, सोशल बनाते हैं, रोमांटिक पिक्चर बनाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन धोनी अब फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गए। और चलते चलते एक खबर आपके लिए और मजेदार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि छुट्टियों का सीजन शुरू होने वाला है, लोग वेकेशंस पे जाने की तैयारी में है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत समय के बाद ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग घूमने जाएं। इसी से रिलेटेड हमें एक खबर पीछे पढ़ने को मिली कि यूनाइटेड किंगडम में एक एयरपोर्ट के ऊपर 1.5 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई एयरपोर्ट में चेक इन करने के लिए। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि लोगों में छुट्टियों पे जाने का कितना बड़ा क्रेज है। तो ये थी आज की कुछ अतरंगी सतरंगी खबरें जो शायद आपकी नजर से चूक गई थी, तो हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। दोस्तों, हमें प्रतिक्रिया करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी, क्योंकि आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखकर हम मंथन करते हैं, और मंथन में वही विषय आते हैं जो आप हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए भी आपकी जो सजेशंस हैं और जो
एडवाइस है वो हम आपसे चाहते हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। और अगली बार मिलेंगे किसी और इस तरह के नई इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी तरफ से बाय बाय दोस्तों।